फिट दिल्ली, जहाँ पर हम करते हैं बात आपकी फिटनेस के बारे में। और आप फिट रहे इसके लिए जरूरी है कि आप अपने वजन को कंट्रोल में रखें। लेकिन क्या अपने वजन को कम करने के लिए हर बार जिम में जाना जरूरी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर रहकर भी अपने वजन को कम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात योगा की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं बात वजन को कम करने के लिए अपने आप को घर के कामकाज में इन्वॉल्व करने की। वो कामकाज क्या हो सकता है? छोटी छोटी बातें हैं, कपड़े प्रेस करना, कपड़े धोना या फिर घर की साफ सफाई भी करना। आखिर ये पूरी थ्योरी क्या है, हम जानते हैं सबसे पहले इसी के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में। दिन भर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप जिम जाकर वर्कआउट करने का वक्त नहीं निकल पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप घर में रहकर भी अपने घरेलू कामकाज से खुद को फिट रख सकते हैं। जी हाँ, फिटनेस का ये फॉर्मूला ज्योति ने भी अपना रखा है, जो रोजमर्रा के काम के जरिए अपनी कैलोरी बर्न करने की कोशिश कर रही है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से लेके कभी बैठती, कभी मशीन लगाओ कपड़ों की, पानी भरो, खाना बनाओ, ब्रेकफास्ट दो, लंच करो, मार्केटिंग करने जाना होता है, भागते भागते मार्केटिंग करके आओ, बैंक के काम है, कितने सारे काम हैं हम लोगों के फिटनेस का वही एक रीज़न यही है हम लोग जो फिट रहते हैं, क्योंकि हम घर के रूटीन वर्क खुद करते हैं, दैट्स वे। और मेरा तो मेन रीज़न ये है कि मैंने अपना 26 kg वेट रिड्यूस इसी तरह से किया है। विशेषज्ञों की माने तो घर में ऐसे कई काम होते हैं जिनसे आप एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जैसे कि आधे घंटे खड़े होकर खाना पकाते वक्त आप 90 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं, तो वहीं 40 मिनट तक कपड़े धोने में आप 100 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट पुशअप करने के बराबर है। अगर आप घर के कामकाज में करीबन 20 मिनट लगातार चलते फिरते रहते हैं तो आप 80 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल है कि अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, घर के छोटे छोटे काम करते हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी कैलोरी बर्न होता है। अगर आप सिर्फ घर में चॉपिंग है, सफाई का काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक कैलोरी बर्न्स होती हैं। और ये बहुत अच्छा है बिकॉज हाउसवाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं जो बाहर नहीं जा पाती हैं, जिनको समय नहीं मिलता है कुछ और एक्सरसाइज कोई और फॉर्म में, तो ये एक अच्छा फॉर्म है कि अगर हम अपनी डे टू डे घर की एक्टिविटी करें, इससे हम आराम से इजीली 400 से 500 कैलोरी बर्न कर सकते हैं दिन में। इतना ही नहीं, अगर आप घर से निकलकर ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो 20 मिनट ड्राइव करने में आप 40 किलो कैलोरी बर्न करते हैं। वहीं 30 मिनट खड़े होकर बस या मेट्रो का सफर करने पर 40 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 8 घंटे की नींद पूरी ले रहे हैं तो भी आप 380 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये सारे बड़े इम्पॉर्टेंट हमारे कैलोरी बर्निंग काम होते हैं, जो हम कभी ऑफिस जाएं या वर्क प्लेस पे जाएं या घर जाएं तो सीढ़ियां चढ़ के जाएं लिफ्ट की बजाय। तो अगर आप देखें, आप 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते हैं दिन में 4 बारी, तो आप अराउंड 100 किलो कैलोरी उसके अंदर बर्न कर लेते हैं। और उसके अलावा अगर आप 1 घंटा नॉर्मल वॉक करते हैं अपने ऑफिस में या फिर अपने घर के काम के लिए, तो उसमें आप अराउंड 90-100 किलो कैलोरी उसमें बर्न कर लेते हैं। अगर आप पैदल चलते हैं सड़क के ऊपर अराउंड 15 मिनट, तो आप 50 किलो कैलोरी बर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में इनकलकेट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल के अंदर इसे अपनाते हैं, तो हम काफ़ी सारी कैलोरीज बिना किसी अधिक मेहनत करे हम लूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर हम दिन भर में अपना रूटीन कामकाज भी सही तरीके से करते हैं तो तकरीबन 2000 किलो कैलोरी बिना एक्सरसाइज के बर्न की जा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। भले ही आपने एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपने उसके ऊपर 2 समोसे खा लिए तो स्थिति जस की तस हो जाएगी। यानी कि 200 कैलोरी लूज करने के बाद आप और 200 कैलोरी अपने ऊपर बढ़ा लेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप एक्सरसाइज तो करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना डाइट चार्ट भी तैयार रखें। यानी कि सुबह से शाम तक आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप सेहतमंद बने रहें। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर के कामकाज को करने से आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप गलत हैं। कैलोरीज को बर्न करने के लिए एक्टिविटी के साथ जरूरी है कि आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दें। आप तला हुआ खाना ना खाएं, सेवन ना करें अल्कोहल का, और साथ ही में स्मोकिंग भी बिल्कुल ना करें, तभी आप अपने वजन को कंट्रोल में रख पाएंगे।
दिन भर के रूटीन कामकाज में भले ही आप 2000 किलो कैलोरी बर्न करते हों, लेकिन अगर आप खान पान में लापरवाही बरतते हैं तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। इसकी शुरुआत भी घर में बने तेल घी और चिकनाई भरे खाने से होती है, इसलिए जरूरी है कि आप लो कैलोरी फूड को अपनी डाइट में शामिल करें, जंक फूड और मसालेदार खाने से दूर रहें। अगर आप कैलोरीज ले रहे हैं, फ्राइड फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं और उतना एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली वेट गेन होगा। तो आपको अगर एक्सेस इनटेक कर रहे हैं तो आपको एक्सेस वर्कआउट करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरसाइज है, जॉगिंग है या जिम है, जिस भी तरह का आप एक्सरसाइज उसको लें वो आपको करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक फिटनेस पर सबसे ज्यादा असर खान पान का पड़ता है, ऐसे में वजन कम करने के लिए डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपने डाइट को प्लान करने की जरूरत है। जैसे सुबह हैवी ब्रेकफास्ट के साथ दिन भर हल्का फुल्का डाइट लेते रहें, खाने में छोटे छोटे मील शामिल करें, पौष्टिक फल और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, साबुत अनाज भी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। डाइट जो है वो आपके वेट रिडक्शन के अंदर 60-70% काम करती है, 60-70% मेन रोल इसका डाइट का होता है, आप डाइट कंट्रोल करें, और 30-40% एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों चीज़ों का आपको एक परफेक्ट बैलेंस लेके चलना है। एक्सरसाइज अच्छे से करनी है जिससे कि आप अराउंड 300-400 कैलोरीज जो है आधे घंटे की एक्सरसाइज में बर्न करें, और उसके अलावा डाइट कंट्रोल करके अपना चलना। चलिए ये तो बात हुई खान पान की, लेकिन आप चाहे मोटे हों या पतले, एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालें, क्योंकि एक्सरसाइज न केवल आपके स्टैमिना को बढ़ाता है बल्कि आपको एक हेल्दी लाइफ भी देता है। चक फिट हो या ना हो, आपको एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें ये नहीं कि जो पतले आदमी हैं उनको एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, सबके लिए बॉडी टोनिंग एक्सरसाइजेज एटलीस्ट आधा घंटा दिन की बहुत जरूरी है। और जो लोग फिट नहीं हैं, जो ओवरवेट हैं, उन्हें हमेशा अपना वेट कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितना वेट आज की डेट में है उससे 1 किलो भी ना बढ़े। जाहिर है काम घर का हो या बाहर का, कैलोरी बर्न करने में मदद तो करता ही है, लेकिन अगर आप इसके साथ थोड़ा सा वक्त एक्सरसाइज के लिए निकालें और अपने डाइट में लो कैलोरी फूड को शामिल करें तो आप ताउम्र स्वस्थ रह सकते हैं। बेशक रोजमर्रा के कामकाज से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आप खुद को ज्यादा तरोताजा महसूस करेंगे। इसलिए डॉक्टर की सलाह तो यही है कि आप रोजमर्रा के कामकाज के साथ एक्सरसाइज जरूर करें ताकि आप सेहतमंद बने रहें। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ सफाया के साथ रोशनी ठोकरे, दिल्ली आज तक। आप जिम जाते हैं वजन कम करने के लिए, लेकिन वो कम हो नहीं रहा है, ऐसे में इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? वजह है गाइडेंस की कमी, और यही आपको दे रही है मेरी सहयोगी रोशनी। देखिए और सीखिए कि कैसे आप जिम जाकर अपने वजन को कम कर सकते हैं बहुत कम टाइम में अच्छे तरीके से। भाई सर्दियां चली गई है, लेकिन जाते जाते इन सर्दियों ने हमें थोड़ा सा मोटा जरूर कर दिया है, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत खाते पीते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि गर्मियों में जब भी हम अपने ओवरकोट उतारते हैं तो पता चलता है कि हमने वेट पुट ऑन कर लिया है। और इस वेट को कैसे हम कम कर सकते हैं बिना मशीन के, और खास तौर पर पेट और उसके आसपास यानी कि अपना टमी टोन अप हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ है फिटनेस मैनेजर संदीप। हाय संदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, आम तौर पर सर्दियां खत्म होते ही लड़कियों को सबसे बड़ी टेंशन होती है कि भाई वजन बढ़ गया और पेट और कम के आसपास की जो चर्बी होती है उसे घटाने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो बिना मशीनों के हम कैसे घर में ये पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर आप मशीनों पे नहीं जा रहे, इवन जैसे आप जिम्स में नहीं जा सकते, आप अगर आपको घर पे वर्कआउट करना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ 4 या 5 एक्सरसाइज बताता हूँ, जिससे कि आप घर पे अगर आप करते हो तो बहुत इजीली आपका इंचेस लॉस और जो आपका फैट है, जो आपकी चर्बी है, वो बहुत जल्दी इजीली खत्म हो जाएगी। और जैसे कि हम कर सकते हैं, हम स्टार्टिंग में घर में हम क्रंचेस बहुत आसानी से कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ हम लेग रेजेस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारा लोअर टमी खत्म होता है। देन उसके बाद हम जो कर सकते हैं आउटर थाई, जो कि हमारा आउटर थाई एंड ऑब्लिक्स इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा यूजफुल है। देन इसके बाद हम हिप रेजेस कर सकते हैं, जो कि फीमेल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं हमारा बैक एरिया में, तो इसके लिए हम हिप रेजेस कर सकते हैं, जो कि वर्कआउट्स हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरीके से उसे करना है। तो ये सब तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमें कितने बार करने होते हैं, और शुरुआती जो बिगनर्स हैं तो इनमें किन बातों का ध्यान रखें, लाइक कितना उसे हाइट देनी चाहिए अपने लेग्स को, क्या करना चाहिए? देखिए, इसको अगर एज ए बिगनर है जो कि शुरुआती में अगर कोई कर रहा है,
तो उसको स्टार्टिंग में हमें स्टार्ट करना होता है 10-10 रेपो से, मतलब 10-10 बारी करना होता है, उसको 3 सेटों में डिवाइड करना होता है, यानी कि 10 times 1 रैप एंड उसके बाद 3 बारी करना होता है, जिससे कि बिगनर्स के लिए ज़्यादा सोरनेस नहीं होती है। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में अगर हम एकदम से स्टार्ट करते हैं तो बाद में हमारी रिकवरी बहुत स्लो होती है, उसमें हमारा काफी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी मैंने शुरुआत की और शुरुआत में 3 सेट मैंने 10 बार किए, तो भाई कितनी कैलोरीज मैं बर्न कर सकती हूँ ये भी बता दीजिए। तो उसमें आप कम से कम अगर शुरुआती में आप करते हो आप तो 300-500 कैलोरी आप इजीली बर्न कर सकते हो, जो कि आप जैसे अगर आप रन कर रहे हैं, आप अगर 50 मिनट्स रन कर रहे हैं, अगर आप ये वर्कआउट करते हैं तो आपको आप वही कैलोरी इस वर्कआउट में बर्न कर सकते हैं बड़ी आसानी से और घर में। अच्छा, कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि आप बिना ट्रेनर के घर पे करते हो, तो किन बातों का ध्यान रखें? कोई बिगनर है अगर तो कौन सी बात है जो उसको सबसे ज्यादा एहतियात रखें? या बिल्कुल, अगर कोई ट्रेनर नहीं है या फिर अगर वो जिम में नहीं है तो काफी चीजें उन्हें ध्यान देनी होगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा हमें अपने पोस्चर का ध्यान देना होगा कि हमें किस पोजीशन में बैठना है, किस पोजीशन में हमें साइड लेग रेजेस करना है, उसमें हमें सांस कब छोड़नी होती है, सांस कब लेनी होती है, देन कब हमें कितना रेंज ऑफ मोशन, कितना ऊपर आना है, कितना नीचे जाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते तो हमारे इंजरी चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। अगर कई जो बिगनर्स होते हैं उनकी बोन डेंसिटी कम होती है, उनकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं, तो अगर एकदम से करेंगे तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसे करना है। फायदा क्या होगा इन सब मशक्कत करने के बाद? इन सब करने का डेफिनेटली, जो कि आपने कहा कि हमने सर्दियों में इतना वेट पुट ऑन किया है, तो ये सब करने से आप बहुत जल्दी टोनिंग और काफी जल्दी आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई बिना मशीनों के करने की, और इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मशीनों से हमें करना है तो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, जो कोई बिगनर आएगा जिम में उसे पता नहीं होता कि कौन सी मशीनें कैसे चलेगी, क्या क्या करेगी, कितना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी, कौन सी मशीनों से शुरुआत करे कोई बिगनर? या यू नो, स्टार्टिंग में अगर कोई क्लाइंट आता है जैसे कि, और वो बिगनर है, उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उन्हें बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये इतना बड़ा कुछ है नहीं। अगर वो स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें बहुत ही लाइट वर्कआउट करना होता है और ज़्यादा रेपिटेशन नहीं करने होते हैं, 10-10 या 5-5 रेप करने होते हैं, ताकि नेक्स्ट डे उनको ज़्यादा सोरनेस ना हो। क्योंकि पहले दिन ही अगर कोई क्लाइंट आता है और वो एकदम से ज़्यादा करते हैं तो नेक्स्ट डे और उसके बाद उन्हें बहुत बॉडी में सोरनेस होती है। और अब करेंगे बात होली की मस्ती के बारे में। होली की मस्ती में क्या शामिल होता है? रंग, गुब्बारे, गुलाल और हाँ, रसगुल्ले और गुंजिया भी। लेकिन वो खाना आपके वजन को बढ़ा सकता है। अब आप क्या करेंगे? बहुत आसान है, किचन में जाइए और उसको बनाइए खुद अपने हाथों से, ताकि वो स्वादिष्ट भी हो और साथ ही में पोषक भी हो। इसके बारे में आपको बता रही है हमारी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की सलाह में। ये मैं तो इस चीज में बिलीव करती हूँ, होली का त्योहार है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करिए और जो भी आपके यहाँ पर ट्रेडिशनल मिठाई बनती है जरूर बनाइए। जैसे यूपी में गुंजिया बनती हैं, पापड़ी बनती हैं, पानी के भल्ले वाले भल्ले बनते हैं, पानी के दही की पकौड़ियाँ बनती हैं, जरूर खाइए उनको। लेकिन सिर्फ एज एन एक्सपर्ट मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि अगर आप गुंजिया बना रहे हैं, बाकी सब मेवे के साथ में अगर थोड़ा सा उसके अंदर खरबूजे की गिरी मिला लें, थोड़ा सा तरबूज की गिरी मिला लें, एक अलसी के सीड्स या फ्लैक्स सीड्स आते हैं थोड़े से, वो डाल लीजिए। उसकी वजह से आपके शरीर की इम्यूनिटी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। होली के टाइम पे एक तो सीज़न ऐसा होता है कि वायरल बैक्टीरियल ये जितने भी रोग हैं ये सब मुँह खोले खड़े होते हैं, पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए, ये चीज़ें इस्तेमाल करिए और लिक्विड की क्वांटिटी अपने खाने में त्योहार पे लोगों को सर्व करने में भी बढ़ा दीजिए। जैसे आजकल के सीज़न में काली गाजर का पानी डाला जाता है, तो आप भी पीजिए, अपने मेहमानों को भी सर्व करिए गाजर के पीस के साथ, क्योंकि वो बहुत रिच होता है मिनरल एंड विटामिंस में, प्लस उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, प्लस आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ाते हैं। और मैं तो एडवाइस करूंगी कि अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल, घिया, तोड़ी, ठंडा कुछ भी मिला लीजिए, गाजर मिला लीजिए, उनको जूस का इस्तेमाल करिए, जलजीरे का पानी बनाइए। ठंडाई भी होली के लिए बहुत अच्छी है, बट थोड़ी क्वांटिटी उसको कंट्रोल में करें तो ये बहुत अच्छी है। सत्तू बहुत अच्छा है इस सीज़न में, सत्तू बना के पीजिए, लोगों को सर्व करिए, उसमें फ्लेवर डाल दीजिए, कोई भी नहीं है तो उसमें पुदीने की चटनी मिला के डाल दीजिए, नहीं तो उसके अंदर वनीला एसेंस डाल दीजिए। आजकल हमारे पास में संतरे आए हुए, किनू आए हैं, थोड़ा जूस उसके अंदर मिला दीजिए, ताकि वो बहुत अच्छा सा एक ड्रिंक भी बनेगा, नेचुरल ड्रिंक भी बनेगा। और
आप बिल्कुल, मैं नहीं कहूंगी कि आप फ्राइड फूड अवॉइड करिए, अगर आप पूरी खाना चाहते हैं आप जरूर खाइए, पर पूरी के अंदर कुछ चीजें मिला लीजिए, जैसे एक तो आटा आप मिस्सी आटा बना लीजिए, थोड़ा सोयाबीन का थोड़ा ये मिला के उसके अंदर थोड़ी लीफी वेजिटेबल डाल दीजिए, नहीं तो मूली कद्दूकस करके डाल दीजिए उसके अंदर, ताकि उसमें थोड़ा फाइबर बढ़ जाएगा, तो उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल का इफेक्ट आता है फैट में, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। और अगर आपने प्लान कर ही लिया है कि आपको होली सेलिब्रेट करनी है, आप अच्छे से अपने पकवान बनाना चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी एज एन एक्सपर्ट, बट आपको एडवाइस करूंगी कि थोड़ा सा सेंसिबली प्लान कर लीजिए। जैसे दही का प्रेपरेशन जरूर रखिए, क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका रायता फॉर्म बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले से ही आप अच्छी क्वांटिटी में लिक्विड लेना शुरू करेंगे, तो उस दिन होली वाले दिन भी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो सिंपल नींबू पानी लीजिए, आप पुदीना मिला के नींबू पानी ले लीजिए, कोई जूस ले लीजिए, बट गो फॉर द नेचुरल थिंग, जितने जैसे जूसेस हैं उन पे आप जाइए। अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हैं तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन मत लगाइए, अगर आप रेड मीट भी खाना चाहते हैं, मटन खाना चाहते हैं, लीवर खाना चाहते हैं, जरूर खाइए, लेकिन मैं चाहूंगी उसमें आप सब्जी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा दीजिए, जैसे प्याज लहसुन अदरक जो आप बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसको डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी कैप्सिकम शिमला मिर्च डाल दीजिए, थोड़ी गाजर का पीस पत्ता गोभी डाल दीजिए, कुछ डाल के, ताकि उसके साथ में फाइबर बढ़ जाए। और बाय चांस अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है उस दिन, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप नेक्स्ट मील जो है स्किप कर जाइए, उसकी जगह लस्सी नमकीन पी लीजिए, या नींबू पानी पी लीजिए, या सिंपल वेजिटेरियन सूप पी लीजिए, ताकि आपकी जो हैवीनेस है वो एक तरफ हो जाएगी। एंड जलजीरा पानी, फ्रेश कोकोनट वाटर, नींबू पानी, दे आर वेरी गुड फॉर दिस सीजन। तो फिट दिल्ली में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी बताई हुई बातों के जरिए आप अपने वजन को कम कर पाएंगे और अपने खान पान पर भी ध्यान देंगे। जाने से पहले हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।